सारी संगत फतेह बुलायो जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। बड़े प्यार दे नाल आप जी सारे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद में जुड़ बैठे हो और बंदगी वाले कमाई वाले महापुरश संत बाबा सावन सिंह जी उन्हां दी याद विच आप जी इकत्तर होए हो। बड़े प्यार दे नाल मेरे सत्कार योग मेरे पिता समान ज्ञानी साहब सिंह जी, इन्हां दी भी बड़ी कमाई है महाराज, इन्हां नूं चढ़दी कला बख्शन, होर इस तरह पंथ दी कौम दी सेवा करदे रहन। उन्हां ने हाजरी लवाई है दसां तों पहले। आओ हुण कुछ समां सतगुर जी तरस करके सिर ते हथ रख के इस निमाणे जे जत्थे पासों सेवा लैण। सारी संगत आओ नाल नाल कृपा करियो, दो तीन मिनट पहले वाहिगुरू सिमरन, सारी संगत कृपा करियो, फिर नाल नाल कीर्तन नाल नाल विचार महाराज सेवा लैण। कोई भी रसना वांझी ना रवे, सारे कृपा करियो जी। मैं माँ
रतड़े
नीतड़ाला बरंगाए नीतड़ाला बरंगाए कुर्बाने जाओ हो कुर्बाने जाओ हो कुर्बाने जाओ मेहरवाना हो कुर्बाने जाओ हो कुर्बाने जाओ हो कुर्बाने जाओ तिना के लैन जो तेरा ना आपे ही रावे
Vaheguru,
वाहेगुरु सब संगत कोई रसना वांझी ना रवे कोई चके ना जे इत्थे सतगुरां दी गोद च बैठ के भी ना जपिया तो फिर कित्थे जपा कोई ना चके सब जपो वाहेगुरु 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 जिनके चोले रतड़े 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 प्यारे कंती ना के पास टूटी ना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास जिनके चोले रतड़े जिनके चोले रतड़े जिनके चोले रतड़े जिनके चोले रतड़े जिनके चोले प्यारी साध संगत जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद विच जुड़ बैठे हो सारे प्यार नाल करो रसना पवित्र रखो सतनाम श्री वाहे जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास इत्थे बाहर दे चोले की गल नहीं हो रही इत्थे हिरदे रूपी चोले की गल की जा रही है महाराज कहिंदे जिन्हां दे हिरदे रूपी चोले नाम दी रंगण च रंगे गए कहिंदे रब गुरु परमेश्वर उन्हां तों दूर नहीं हैगा कंत तिन्हां के पास उन्हां दी रसना ते भी वरतदा है उन्हां दे नेत्रां च भी वरतदा है तुसीं वेखो असी किसी कमाई वाले बंदगी वाले महापुरश कोलों जदों प्रसाद लैने वो भावें फ्रूट है भावें कुछ जो भी वस्तु है असी कहने प्रसाद है महापुरशा के हथों मिले प्रसाद वो प्रसाद किवें बन गया उस कमाई ने प्रसाद बना दिता नाम ने प्रसाद बना दिता वो जिहड़ा गुर परमेश्वर है वह नेड़े है कमाई दी रंगण करके नाम दी रंगण करके कदी उन्हां दे नेत्रां चो कृपा हुंदी महापुरशां दे कदी रसना तो कृपा हुंदी हुणे दास नूं थोड़ी देर पहले गुरमुख वीर मिले सी लखनौर साहब पिछे स्टेज ते मेरा ख्याल विराजमान ने फतेहगढ़ साहब तो उन्हां बचन सुनाया सी कहिंदे मेरी घर दी नूं जवाब देता सी डॉक्टरां ने कि औलाद नहीं हो सकती बच्चा नहीं हो सकता ध्यान देना संगत जी उन्हें बचन सुनाया है कहिंदे मैं महापुरशां नूं कहा कि इस तरह बड़े डॉक्टरां नूं चैक कराया तो डॉक्टरां ने जवाब देता है कि घर औलाद नहीं हो सकती तो कहिंदे महापुरश संत बाबा सावण सिंह जी जिन्हां दी याद च जुड़ के बैठे हो तुसीं कहिंदे उन्होंने आख्या कहिंदे दुनिया के डॉक्टर ने जवाब दिता ना महाराज ने तो नहीं दिता ना जवाब महाराज ने जवाब नहीं दिता उहदे घर घाटा कोई नहीं जाएगा संगत जी है तीनों बच्चे नाल आए जे उन्होंने जिन्हों डॉक्टर ने जवाब देता जकारा दो प्यार दे नाल सारिया मेरिया भैन जिथे डॉक्टर के हथ खड़े हो जाए महापुरशा की कमाई जी होंगी ना वो गुरु के खजाने चो दात लैके दे कमाइया
पातशाही भगत जना को दिती अन सिर छत सच्चा हर बनाए। तुसी वेखो भगत नामदेव जी वेले, भगत नामदेव जी अपनी समाधि च लिवलीन ने, बाणी सिमरन कर रहे, भजन बंदगी कर रहे ने। ते एक बीबी अपने पति नाल सती होने लई जा रही सी, उदों रवाज हुंदा सी इत्थे, धन कहीए धन गुरु अमरदास महाराज जी ने, जिन्होंने इस सती प्रथा नूं बहुत ठल पाई। एक बीबी अपने पति नाल सती होने लई जा रही है, ते सोचदी है रस्ते विच भगत जी दी कुटिया है, जांदियां जांदियां दर्शन करदी जावां, समा ते बचिया नहीं, सती होना पैणा, जांदियां जांदियां चंगा कर्म कर जा, भगत जी दे दर्शन कर जा। ते साध संगत जी ध्यान देना, जदों भगत नामदेव जी दे दर्शन करन गई, अंदर जाके नमस्कार कीती, भगत जी ने नेत्र खोले, ते भगत नामदेव जी कहंदे बीबा सदा सुहागण रहो, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। रोण लग पई, कहंदी महापुरशो भगत जी मैं ते अपने पति नाल सती होण लई जा रही हां, ते तुसी मुख तों बचन करता सदा सुहागण रहो, ते हुण बचन कढ़िया जे ते करो कृपा। ते भगत नामदेव जी कहंदे बीबा ना असी आप बचन कढ़िया, ते ना असी कृपा कर सकदे हां, क्योंकि जिहड़े भगत हुंदे ना कमाई वाले, वो वड़ियाई भी अपने ते नहीं लैंदे, गुरु वड़ियाई अपने भगतां नूं दे दिंदा है, ते भगत वड़ियाई जिहड़े गुरु नूं दे दिंदे ने, रब नूं दे दिंदे। भगत नामदेव जी कहंदे बीबा ना असी मूंह कढ़िया ते ना असी कृपा कर सकदे हां, जिन्ने मूंह कढ़ाया कृपा भी आपे ही कर देगा। संगत जी ध्यान देना, ओही बीबी जदों बाहर आई है, किथे पति दी अर्थी लैके जा रहे सी, किथे बाहर आके वेखदी पई है कि मेरा पति जिंदा जागदा बाहर खलोता होया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। भगतां दे हत्थ च कुंजियां हुंदियां दरगाह दी, तुसी सारिआं ने अमृतसर साहिब टोबा भाई शालो जी दे दर्शन कीते होणगे, स्थान बाबा भाई शालो जी, गुरु रामदास महाराज जी दे अनन सेवक होए ने भाई शालो जी, जिन्हां ने एक राजे दी लड़का सी वस्त्र लड़कियां वाले पाए सी, ते झाड़ू ते पैर आ गया, क्योंकि दिन रात सेवा करदे सी बाबा भाई शालो जी गुरु रामदास महाराज जी दे दर ते, ते झाड़ू ते पैर आ गया, ते कहता बचिए ध्यान नाल चलो, वो लड़का लड़की बन गई सी, उन्हां दे मुखो बचन निकलिया सी भाई शालो जी दे मुखों कि बचिए ध्यान नाल चल, हैगा लड़का सी वस्त्र लड़कियां वाले पाए सी, वो लड़की बन गई, ते वो राजा जाके धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं कहंदा कि चंगा तुहाडे दर ते आया, मैं पहली बारी दर्शन करन, मेरा लड़का लड़की बन गई है। कहंदे की होया? कहंदे जी एक झाड़ू देण वाले बाहर ने कह दिता है बई बचिए ध्यान नाल चलो, ते ओहदे मुखो बचन होया ते लड़की बन गई। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे फिर हुण इदां करो, जिदे मुंह बचन निकलिया ना, ओही बचन जड़ा ना ओहदे मुखो फिर निकलेगा ते हो जाएगा, मेरी बंदी भगत छुड़ावे, बंदे भगत ना छुट्टे मोए। महाराज कहंदे धन गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे इहनूं फिर लड़कियां वाले वस्त्र पहनाओ, जान बुझ के पैर रखाओ, ते हो सकदा कृपा हो जाए। संगत जी अगले दिन फिर इसे तरह कीता, लड़कियां वाले वस्त्र पहना के जिथे भाई शालो जी सेवा कर रहे सी, ओ बच्चे ने जान बुझ के पैर रखिया, ते उन्हां दे मुखों निकलिया बचिया ध्यान नाल चलो, ते जदों मुखों बचन निकल गया, ते ओह फिर लड़की लड़का फिर बन गई। पढ़ो इतिहास लिखिया, तुसी जाओ अमृतसर साहब जिथे हरिमंदर साहब दर्शन करन जांदे हो, जिथे धन बाबा दीप सिंह जी दे अस्थान दे दर्शन करदे हो, उत्थे टोबा भाई शालो जी दे अस्थान दे भी दर्शन करके आयो, जिथे नौवें पातशाह दा आगमन स्थान है गुरु के महल, उहदे तों केवल 10-15-20 कदमां दी दूरी ते है टोबा भाई शालो जी दा अस्थान, उत्थे भी जाए, उत्थे भी दर्शन करके आयो। अज भी उत्थे निपुत्तियां नूं पुत मिलदे, भगत दी कमाई बोलदी, इह तुहाडा सारिआं दा इत्थे रल मिल के बैठना ही इस गल की गवाही देंदा है कि अज एक वर्किंग डे हुंदिया भी तुसी सारे महापुरशां दी याद च इकत्तर होए हो, ओ महापुरशां दी धूड़ी लैण वास्ते आए हो, किसे ना किसे तरीके तुहाडी सारिआं दी इत्थों झोली कोई ना कोई भरी होएगी, कोई ना कोई यादां इस दर नाल जुड़ियां होणगियां। साध संगत जी जितने बैठे हो तुसी सारिआं ने प्यार दे नाल शब्द श्रवण कीता, जिनके चोले रतड़े प्यारे,
कंत तिना के पास धूड़ तिना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास। सानू ऐसे महापुरुषों की धूड़ी मिल जाए कमाई वालिया की जिन्हों की रसना तो रब आप वरतदा, ऐसे बंदगी वालिया की संगत मिल जाए। एक धूड़ी तुसी लै रहे हो उन्होंने दर ते बैठ के, एक धूड़ी लै रहे हो तो एक धूड़ी होंगी गुणा वाली धूड़ी, ध्यान देना। वह महापुरशां दे बचन उन्हां दे गुण अपने जीवन दे विच पंज पैसे दस पैसे कमाउण दा यतन कर लिए ये असली धूड़ी लैणा जी। किन्नी कमाई महापुरशां दी, किन्ना नितने। मैं तो सुन सुन के हैरान हुंदी रही हाँ बई कहिंदे इन्नी उम्र सी 100 साल दे करीब उम्र सी तां वी अपने बर्तन आप चुकणे, हर वेले सिमरन चलदा रहना, अपने काम सारे आप करने, खेतां दे विच वी आप हथी मेहनत भी कर। साध संगत जी तुसी जिन्ने बैठे हो अरदास अपनी भी करियो, साडे गरीबां दी भी करियो, ते अरदास करियो धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरणां च के सच्चे पातशाह कृपा करो अपने बख्शिशां दे खाते चों तुहाडे प्यारियां दी याद विच सारी संगत जुड़ बैठी है, उन्हां दे चरणां सदका ए सारी संगत दी चरणां दी धूड़ी सदका नाम दा छिट्टा साडी भी झोली च पा दिओ। रोज मंगदे आ सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाव दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान, ये नाम दान बड़ा महंगा है। अपनी भी अरदास करियो, साडे गरीबां दी भी करियो, सच्चे पातशाह कृपा कर, कम कदी नहीं जे मुकणे। बथेरा अपने मन नूं कई वारी कह लो ना कोई नहीं हजे बच्चे छोटे ने थोड़े वड्डे हो जाण फिर संगत च जाया करांगे, कम दिए मुकणे ज्यों ज्यों भिजे कमली त्यों त्यों भारी होए। इत्थे टाइम कढ के समा कढ के जप लांगे ते गुरु कृपा करे ते ओहो ही घड़ियां नाल जाणियां। भगत कबीर जी एक वारी वेखदे पए कहिंदे इक माई आटा पीण गई, कहिंदे आटा पीन्दिया पीन्दिया ना नाल नाल फक्के मारी जावे, ते भगत कबीर जी सोचदे ने माई की करदी पई, आटा पीसी जांदी नाल नाल फक्के मारी जांदी है, भी आटा पी के बर्तन च पा के ने घर ही लैके जाना, घर जाके खा लवे। पर भगत कबीर जी दे देखदिआं 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 ओह माई ने आटा पीसिया, आटा पीस के बर्तन च पाया, बर्तन सिर ते रखिया, जदों लगी तुरन 10 कदम चली होएगी ठेडा लगा ते आटा सारा रुड़ गया। कहिंदे मीह पै के हटिया सी ओह आटा सारा चिक्कड़ च मिक्स हो गया, हुण आटे दा कुछ नहीं हो सकदा। उदों फिर भगत कबीर जी ने सलोक उचारिया, कबीर कीचड़ आटा गिर पड़िया कछु ना आयो हाथ, पीसत पीसत चबिया सोई निभिया साथ। इहदा इक मतलब ते ना कि जिहड़ा उहने पींदिया पींदिया चब लिया ओह ते नाल ही बाकी रुड़ गया, पर इहदा भाव अर्थ की है ध्यान देना। भाव अर्थ है कि पींदिया पींदिया चब लईए, पींदिया पींदिया चबण तो भाव कि गृहस्थी च विचरदिआं विचरदिआं कम धंधे करदिआं करदिआं कारोबार करदिआं करदिआं नौकरियां करदिआं करदिआं बच्चियां दी पालना पोषणा करदिआं करदिआं पींदिआं पींदिआं चब लईए, भाव के सारे काम कार करदिआं करदिआं नाल सिमरन वास्ते भजन बंदगी करन वास्ते बाणी पढ़न वास्ते समा कढ़दे रहिए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। अमृत वेला भी संभालना है गुरु दे सिख ने ते नाल नाल यतन करना है, नामा कहे तिलोचना मुखते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन। हत्थां पैरां नाल काम कार भी करने ने पर अरदास करनी के साडा चित निरंजन नाल जुड़िया रहे। राजे जनक कोल कोई ज्ञान लैण गया, राजे जनक ने कहा भी ज्ञान तैनू बाद च देंगा पहले तैनू गुरु दक्षिणा देनी पएगी, भी की लैणा तुसी? कहिंदे मेरी एक शर्त है, इह जग दा दीवा हथ ते रख लै तली ते, ते मेरे सारे महलां दा चक्कर ला के आ, पर मेरी शर्त ए
कि दीवा नहीं बुझना चाहिए। वो कहिंदा ठीक है, तली दे उत्ते दीवा रख लिया जगदा, महलों का चक्कर ला के वापस आ गया। राजे जनक नूं कहिंदा वेखो जी दीवा जगदा पिया, हुण दिओ ज्ञान। राजा जनक कहिंदा इन्नी किहड़ा काली, ज्ञान दिंदे आ, पहले ये दस मेरे महलों का संगमरमर तैनूं किहो जिहा लगा। वो कहिंदा जी मैं तुरदिआं महसूस कीता सी कि मैं संगमरमर ते तुरदा पिया, पर मैं बहुता ध्यान नहीं दिता। क्यों नहीं दिता? कहिंदे जी ध्यान ते मेरा दीवे च सी, दीवा ना बुझ जाए। राजा जनक कहिंदा इन्ने कीमती कीमती मखमली गलीचे विशे ने मेरे महलों च वेखे नहीं। कहिंदा जी तुरदिआं महसूस होया सी वी गलीचियां ते चल रहा, पर मैं बहुता खुब के वेखिया नहीं। भी क्यों नहीं वेख्या? कहिंदे जी ध्यान ते मेरा दीवे वल सी, किते दीवा ना बुझ जाए। राजा जनक कहिंदा दूरों दूरों कारीगर बुला के, मीनाकार बुला के चित्रकारी कराईए, मीनाकारी कराईए, तैनूं किहो जी लगी? कहिंदा जी मैं नहीं वेखी। क्यों नहीं वेखी? कहिंदे जी मेरा तो सारा ध्यान ही दीवे वल सी, किते दीवा ना बुझ जाए। ते राजा जनक कहण लगे कहिंदे तैनूं फुहारे फुल बूटे बगीचे तू कुछ नहीं वेख्या? कहिंदे जी बस बगीचे चो निकलन लग्या खुशबू लिती सी फुलां दी, पर ध्यान नहीं दिता। भी क्यों नहीं दिता? कहिंदे जी ध्यान मेरा दीवे वल सी। ते राजा जनक कहिंदा कमाल हो गई, राजे दा महल वेखण लोकी दूरों दूरों आंदे ने, ते तैनूं असीं मौका दित्ता भी साडा महल दा चक्कर लाया, तू तवी कुछ नहीं वेख्या? वो कहिंदा जी मैं नहीं वेख्या, क्योंकि तुहाडी शर्त सी कि दीवा नहीं बुझना चाहीदा, इस करके मैं सारा अपना ध्यान दीवे दे उत्ते केंद्रित रखिया है। ते राजा जनक कहिंदा बस एहो ही ज्ञान ही, एही ज्ञान पल्ले बन लै। कहिंदा जी मैं कोई समझिया नहीं। कहिंदे वेख तू सारे महलां दा चक्कर लाया है, पर किसे चीज खुबिया नहीं, क्योंकि तेरा ध्यान जिहड़ा वह दीवे वल सी। ते समा जिहड़ा आ रहा है, ज्ञान एहो ही है के काम धंधे करते रहो, बच्चे भी पालने ने, काम धंधे भी करने, कारोबार भी करने, माइयां बीबियां बैठियां जे गृहस्थी दे काम कार भी करने ने, पर एक गल चेते रखनी है कि अंदर एक नाम दी लो जगदी होवे जेड़ी काम कार करदियां भी बुझे ना। ध्यान उधर केंद्रित रखना है कि साढ़े नाम दा दीवा अंदर वाहिगुरु वाहिगुरु चलदा रहे, ओदी हजूरी नूं उसी होदी होंद नूं अंग संग महसूस करिए, साडे अंदरों काम कार करदिआं वी सिमरन चलदा रहे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, माइयां बीबियां आटा गुणदिआं वी सिमरन चलदा रहे। तुसी वेखो जदों घर दे काम कार करदिआं, आटा गुणदिआं, सब्जी बणांदिआं, रोटी बणांदिआं, तुहाडा सिमरन चलदा रहेगा, ते संगत जी ओह खादे अन्न नाल बच्चियां दी बुद्धि ते पड़दा नहीं पएगा, क्योंकि उहदे च नाम बाणी पै जाएगी। अजकल रवाज पुट्ठा हो गया, अजकल टीवी जिहड़े रसोईआं च वी लग गए ने, ओह क्यों लग गए ने? कि साडा कोई सीरियल जिहड़ा मिस ना हो जाए, साडा कोई जिहड़ा सीन है ओह रहि ना जावे रोटी पकांदिआं। ओह माइयां बीबियां ने रसोईआं च वी टीवी लवा ले ने, ते तुसीं दसो रोटी पकांदिआं जिहड़ा साडा पुरातन इतिहास माइयां बीबियां कामकार करदिआं चुपई साहिब पढ़दियां सी, जपजी साहिब पढ़दियां सी, वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन करदियां सी, मूल मंत्र करदियां सी, ओह हुण जगह लै लई टीवी ने। फिर असीं कहिंदे आ जी बच्चे पुठे राह ते तुर पए, पहले असीं आप सिद्धे राहां ते होईए। जिन्ने मातावां वी बैठियां जे, भैण वीर वी बैठे जे, अपनी वी अरदास करिओ, साडी गरीबां दी वी अरदास करिओ सच्चे पातशाह। कमाई वाले बंदगी वाले महापुरशां दे अस्थान ते आया, स्टेज ते कमाई वालियां रूहां सुशोभित ने, इन्हां सारियां दी चरण धूड़ी सदका साडे भी घरां विच बाणी दे प्रवाह चला दिओ। साडे भी घरां विच अमृत वेले लाइटां जग जाण, साडे भी घरां विच साडे परिवार दे जी जिहड़े 4 बजे 3 बजे उठना शुरू कर देण, ऐसी महाराज कृपा करन अज कमाई वाले रूहां दी इहो ही धूड़ी जे कि उहनां दे कोई गुण नूं असीं 5 पैसे 10 पैसे अपने जीवन च कमाउण दा यतन करिए। और संगत जी भरोसा रख के बाणी पढ़नी, भावना रख के बाणी पढ़नी है। ए बाणी च ऐसी ताकत है, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जी।
हूँ ज़्यादा इन्ना समा नहीं कि होर विचारा मैनू हुक्म होया मेरे वीर भाई गगनदीप सिंह जी होर वालों भैन जी अमरजीत कौर जी जिहड़े लैके आए ने मोहाली तो परिवार उन्हां वालों हुक्म होया कि बेनतियां दा एक शब्द जरूर पढ़ना करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा करे जिन्हें भी बैठे हो रसना कोई भी वांझी ना रवे आओ प्यार दे विच धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद बैठे हो महापुरशां दे अस्थान ते बैठे हो आओ सतगुरां दे चरणां च बेनतियां करिए सतगुरु जी असी दीन बन के निमाणे बन के निताणे बन के गरीब नूं आज तुहाडे चरणां च बेनती करदे हां साडी बांह फड़ लैणा साडी बांह फड़ लैणा गरीब नूं आज तुहाडे तों बिना साडा पार उतारा नहीं करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे सारी संगत कृपा करे जी करतार करुणा मैं दीन बेनती करे 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 नानक जतन कर
करे तो भी सुर पंगल, कै पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होते वहाँ उस गवन, दिन बेन की करे दीन बेन की करे, दीन बेन की करे। सारे बेनतियां करो, बेनती बाप बीठ लबाहा दे, दीन बेन की करे, दीन बेन की करे, दीन बेन की करे, दीन बेन की करे। हम डोलती पीढ़ी सन्मुख सिद्ध पेटन को आए, नेह जो देवड़ी आई गुरे तार तार ने करो, दया करो।
डुबदे पत्थर तारे दीन बेनती करे दीन बेनती करे दीन बेनती करे दीन बेनती करे तन गुर कलगिया वाले तन गुर बाजा पाखण हम तारो कड ले वो शब्द सुपाए जियो चिकड़ पाते निघरत हम जाते हर बा प्रभु पकड़ाए जियो हर बा प्रभु पकड़ाए जियो दीन बेन की करे दीन बेन की करे दीन बेन की करे दीन बेन की करे वाहगुरु 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 प्रकार दियां भुलां गलतियां बख्श लैणियां कीर्तन दे सत्कार वजों जो भी माया संगत वलों प्रबंधकां वलों महापुरशां वलों वाजे ते आई है आप जी दी दित्ती माया दा एक एक पैसा मेरे सत्कार योग पिता समान महापुरख भाई साहिब भाई गुरु इकबाल सिंह जी उन्हां दी आसीसां उन्हां दी प्रेरणा सतगुरां दी मेहर ते आप संगत दे सहयोग दे नाल ए सारी माया जो है विधवा बीबियां दे मुख विच अन्न दा दाणा बन के पहुँचदी है ते होर भले दे कारजां ते ए माया वरती जांदी है दो हस्पताल चल रहे ने तीन स्कूल चल रहे ने धन धन बाबा दीप सिंह जी दे अस्थान पोविंद साहब की कार सेवा शहीद भाई तारू सिंह जी अस्थान पुला साहब की कार सेवा ये सारी माया तुहाडी इन्हां कारजां लई वरती जांदी है रब वर्गियां संगतां तुसी सारे जुड़ बैठे हो तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करदे हां जिहड़ा परिवार विचोले बन के लैके आया उन्हां दा भी धन्नवाद भाई गगनदीप सिंह जी भैन जी अमरजीत कौर जी स्टेज सैकटरी जिहड़े बहुत सुचजे ढंग नाल प्यार दे नाल सेवा निभा रहे ने स्टेज सैकटरी साहब दा भी बहुत बहुत धन्नवाद ते मेरे सत्कार योग महापुरश संत बाबा हरबंस सिंह जी जिन्हां ने आप जीआं दे दर्शन कराए ने उन्हां दा भी धन्नवाद
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਰਵੇ ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ